नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म द बुल करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनेगी। इस फिल्म को डायरेक्टर विष्णु वर्धन डायरेक्ट करेंगे। ये दूसरा मौका है जब सलमान और करण एक साथ काम करेंगे। इससे पहले सलमान को उनकी फिल्म कुछ कुछ होता है में देखा गया था, हालांकि इस फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम कम था। वहीं आने वाले प्रोजेक्ट्स में किक 2 और दबंग 4 का नाम भी शामिल है। डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म में भी सलमान को देखा जाएगा। फिल्म द बुल में सलमान पैरामिलिट्री ऑफिसर के रोल में दिखेंगे, जिसकी तैयारी के लिए उन्होंने वजन कम करना शुरू कर दिया है। फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग इसी नवंबर के लास्ट में शुरू हो सकती है। इन बातों का खुलासा सलमान ने खुद एक इंटरव्यू में किया। फिल्म शेरशाह डायरेक्टर विष्णु वर्धन की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें इस साल नेशनल अवार्ड के स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवार्ड पाने के बाद विष्णु वर्धन ने पीटीआई के साथ बातचीत में कंफर्म किया था कि वो अगले प्रोजेक्ट पर करण जौहर के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया था कि मुझे गर्व है, यह एक सम्मान की बात है। अभी मैंने एक रीजनल फिल्म की शूटिंग की और अब मुझे अपना अगला प्रोजेक्ट करना है जो कि करण जौहर के साथ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में सलमान पैरामिलिट्री ऑफिसर के रोल में दिखाई देंगे। इसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।